अस्सलाम वालेकुम। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड फॉर फ्रेम। बीम तक हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने फोर्स मेथड पढ़ा है, बीम, फ्रेम और ट्रसिस तक। अब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बीम के लिए पढ़ लिया था, अब हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ेंगे फ्रेम के लिए। फ्रेम के लिए ना एक चीज़ हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। फ्रेम दो टाइप्स की होती हैं, एक को हम कहते हैं नो साइड्स वे और एक को हम कहते हैं साइड्स वे फ्रेम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम, एक को हम कहते हैं नो साइड्स वे फ्रेम और एक को हम कहते हैं साइड वे फ्रेम। अब नॉन साइड वे फ्रेम क्या होता है आपके पास, जिसमें आपके पास नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जॉइंट्स की, मतलब जॉइंट्स जो है ना वो अपनी जगह पे रहे आफ्टर लोडिंग। मतलब लोडिंग से पहले जो जॉइंट की पोजीशन थी और लोडिंग के बाद जो जॉइंट की पोजीशन वो सेम रहे। फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं, जैसे अब आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, इस पे जब लोड आएगा तो आपके पास इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। अब ये जॉइंट की इनिशियल पोजीशन है और आफ्टर लोडिंग भी यही पोजीशन है, तो ये नॉन साइड्स वे फ्रेम होगा, जिसमें आपके पास जॉइंट जो है ना वो उसी पोजीशन पर है जहाँ पे आपके पास जहाँ पे आपने लोडिंग की थी। सही है। तो अब मैं किस तरह पता लगेगा कि भी कोई स्ट्रक्चर साइड्स वे है या नॉन साइड्स वे है, सही है ना। इसके लिए दो कंडीशंस हैं, किसी स्ट्रक्चर में आपके पास ये इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए तो वो नॉन साइड्स वे सॉरी वो साइड्स वे फ्रेम होगा। मतलब ये दो कंडीशंस है, जिसमें कंप्लीट हो जाए तो उसमें साइड्स वे नहीं आएगा, यानी उसमें फिर जॉइंट्स अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर रहेगा, कोई एक भी कंडीशन कम्प्लीट हो जाए। सबसे पहले ये कि दे आर रिस्ट्रेंड अगेन साइड्स वे, सही है ना, कि इसके अगर आपके पास ओरिजेंटल डायरेक्शन पे है ना ऊपर कहीं भी आपके पास जब सपोर्ट आ जाए, जो उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रेन कर ले, अगर हम सपोर्ट यानी पिन या फिक्स आ जाए तो वो साइड्स वे नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम ये पहले दो स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अब आपके पास जब ये लोड इस पे आएगा तो जाहिर बात है ये जॉइंट जो है ना इधर या उधर जाने की कोशिश करेगा, मगर क्योंकि यहाँ पे इसी लेवल पे आपके पास एक सपोर्ट है जो इसको मूव कराने से रिस्ट्रेन कर रहा है, कि भी आपके पास अगर ये जॉइंट फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे आता है तो इस जॉइंट को भी आपके पास मूव करना चाहिए, इस सपोर्ट को भी मूव करना चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। तो जब भी आपके पास इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास यानी जिस डायरेक्शन में आपने जॉइंट लगे हुए हैं जॉइंट्स हैं उस लेवल पे अगर आपके पास सपोर्ट आ जाए तो वो उनकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रेन कर देता है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर को हम देख लें, अब इसके भी जॉइंट्स के लेवल पे यहाँ पे हमने पिन सपोर्ट दे दी, अब लोड आता है ये आपके मूव करने की कोशिश करेगा, मगर क्योंकि आपके पास इधर पिन लगा हुआ तो ये मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इसको अगर मूव करना है इस डायरेक्शन में तो फॉर एग्जांपल ये जॉइंट इधर आएगा, ये वाले जॉइंट भी उधर इधर आ जाएगा, मगर ये वाला जॉइंट उधर नहीं जा सकता, सही है ना। तो इसलिए आपने इसकी जो मूवमेंट उसको रिस्ट्रेन कर दिया है, तो इसलिए आपके पास ये जॉइंट उसी पोजिशन पर रहेगा। तो एक फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब भी आपके पास जॉइंट के लेवल पे कोई रिस्ट्रेन हो, कोई सपोर्ट हो यानी पिन या फिक्स, तो वो मूव नहीं कर सकता। इसमें ये भी ख्याल रखें कि अगर इधर रोलर होगा तो मूव करेगा, सही है ना। तो ये सिर्फ फिक्स और पिन सपोर्ट के लिए है, क्योंकि जिसके ओरिजेंटल मोशन को हमने रिस्ट्रेन कर दिया। यहाँ तक आ गई सबको समझ?
जब भी आपके पास स्ट्रक्चर में जॉइंट्स मूव ना करें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, तो वो स्ट्रक्चर नॉन सेटिस्फाई हो, बेशक पिन या फिक्स लगाओ या ना लगाओ, मगर जब भी कोई स्ट्रक्चर जहाँ पे जॉइंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे तो वो नॉन सेटिस्फाई होता है। तो जिसमें पहली कंडीशन ये है कि एक वजह यह होती है कि वो मूव नहीं करती नॉन सेटिस्फाई की भी उसी लेवल पे आपके पास पिन या फिक्स लगाओ, तो उस लेवल पे पिन फिक्स लगा होगा तो जारी बात है वो जॉइंट्स को मूव करवाने से रोकेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है आपके पास कि जब आपके पास नॉन सेटिस्फाई हो कि द फ्रेम ज्योमेट्री एंड लोडिंग इज सिमेट्रिकल, कि फ्रेम जो है आपके पास उसकी ज्योमेट्री भी सिमेट्रिकल हो और लोडिंग भी सिमेट्रिकल हो, ये ना हो कि सिर्फ ज्योमेट्री वाइज सिमेट्रिकल है मगर लोडिंग वाइज सिमेट्रिकल नहीं है, तो वो भी सेटिस्फाई शो करेगा। मगर जिस स्ट्रक्चर में आपके पास ज्योमेट्री भी सिमेट्रिकल हो लोडिंग भी सिमेट्रिकल हो तो वो स्ट्रक्चर जो है ना वो नॉन सेटिस्फाई होगा। जैसे आपके पास ये नीचे वाले स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर है आपके पास, इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे जॉइंट्स के लेवल पे कोई भी पिन या फिक्स सपोर्ट नहीं है, मगर ये फिर भी नॉन सेटिस्फाई बिहेवियर शो कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि इसमें एक तो ज्योमेट्री भी सिमेट्रिकल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके यहाँ पे कट मारता हूँ तो ये एक दूसरे के मिरर है, जो राइट साइड पे स्ट्रक्चर है उसी तरह आपके पास लेफ्ट साइड पे भी स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से आपके पास एक तो ज्योमेट्री वाइज जो है ना वो सिमेट्रिकल है, लोडिंग वाइज भी सिमेट्रिकल है, आपके पास जितना लोड यहाँ पे है उतना ही लोड यहाँ पे आपके पास, तो ऐसा स्ट्रक्चर भी आपके पास जो है ना वो क्या होता है वो सिम नॉन सेटिस्फाई होता है। पहले वाले में तो वजह ये थी कि भी आपके पास जॉइंट को मूव ही नहीं करवाने देता ये पिन या फिक्स, इसमें वजह क्या होती है कि जितना ये वाला जॉइंट इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है लोडिंग की वजह से ज्योमेट्री की वजह से, उतना ही ये वाला जॉइंट भी इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इन दोनों की मूवमेंट आपस में क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। तो फिर से मैं बता दूं कोई भी स्ट्रक्चर अगर हो, अगर जी दोनों में एक हो और एक नहीं हो तो साइड वे होगा फिर। हाँ साइड से होगा फिर, मतलब आपके पास स्ट्रक्चर जो है ना फॉर एग्जाम्पल यही स्ट्रक्चर है आपके पास है ना, ये लोडिंग यहाँ पे मैं एक और लोड डाल दूँ, सही है, तो आप ये इस तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि आप जो यहाँ पे जो आपके पास मूवमेंट है इस तरफ वो कम है और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ज्यादा है, तो ये जो ना इसको इधर खींच लेगा, तो ये जो जो है ना इसकी डिफ्लेक्शन होगी वो कुछ फिर इस तरह होंगे। ये आपके पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देगा, तो पहली कंडीशन थी कि भी उसी लेवल पे अगर फिक्स या पिन आ जाए तो वो नहीं करेगा, दूसरे की ज्योमेट्री और लोडिंग वाइज सिमेट्रिकल हो। इसी तरह ये आपके पास एग्जांपल है, हाँ जी एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है मगर इसका अगर मैं बीच में काटता हूँ तो एक दूसरे की मिरर है, सही है ना, आपके पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है उतना वही यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे लोडिंग है वही यहाँ पे भी लोडिंग है, तो हर जॉइंट्स पे जो मूवमेंट है ना वो सेम हो जाती है, तो इसके वजह से आपके पास इनमें नॉन साइड भी होता है। यहाँ तक आके सब समझ, जी सर ये दो कंडीशन जिधर भी कहीं पे भी जी एक सर कंडीशन आ जाएगा तो स्ट्रक्चर नॉन साइड होगा। इसी तरह कुछ स्ट्रक्चर होंगे वो साइड होंगे, साइड का मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर आपके पास जो है ना वो अपना ज्वाइंट छोड़ते हैं, मतलब आपके पास जब लोड आए तो वो ज्वाइंट जो है ना लीनियर डिस्प्लेस हो जाए, मतलब वो ज्वाइंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट शो करे, तो वो स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है वो साइड्स वे स्ट्रक्चर होता है। साइड्स वे फ्रेम वो होते हैं जिसमें आपके पास ज्वाइंट्स अपनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट शो करता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लेवल पे जॉइंट के लेवल पे कोई भी रिस्ट्रेन ना हो, यानी ये फिक्स या पिन ना हो, और दूसरा ये कि आपके पास स्ट्रक्चर लोड वाइज या ज्योमेट्री वाइज नॉन सिमेट्रिकल हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहते हैं साइड वे शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है ये ज्योमेट्री वाइज तो सिमेट्रिकल है मगर लोड थोड़ा सा एक साइड पे है, सही है ना,
तो आपके पास जो यहाँ पे मूवमेंट है और यहाँ पे मूवमेंट ही डिफरेंट होगी। इन्हें पहले तो मूवमेंट सेम तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। जी सर, तो इसमें तो लोड अनसिमेट्रिकल लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये जॉइंट्स जॉइंट्स भी फिक्स है ना सर। हमने पहली कंडीशन में पढ़ी थी कि फिक्स जॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे तो साइड वे नहीं, साइड वे नहीं 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 होगा। ये तो जॉइंट, इसको ये सर जॉइंट्स ये फिक्स नहीं है, ये रिजिड कनेक्शन होते हैं, ये मूव कर सकता है। वो मैंने कहा था कि अगर ये सपोर्ट आ जाए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूँ एक फिक्स या पिन सपोर्ट आ जाए, एक्सटर्नल सपोर्ट। हाँ जी सर एक्सटर्नल सपोर्ट आ जाए ना, अब ये मूव नहीं जी कर जी सकता, सही है ना। मगर अगर ये आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है फिर ये आपके पास मूव करेगा। तो जब भी आपके पास इन दोनों में से कोई भी, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, यानी आपके पास ना नॉन साइड्स पे आपके पास कोई रिस्ट्रेन भी नहीं होगा, ना आपके पास ज्योमेट्री है उसके पास नॉन सिमेट्रिकल होगा, तो वो स्ट्रक्चर जो ना वो नॉन साइड साइड्स पे शो करेगा, यानी आपके पास जॉइंट्स अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं रहेगा। आगे समझ? जी सर समझ गए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, सही ना। अब ये स्लो डिफ्लेक्शन मेथड से हम ना कि एक सवाल करते हैं, तो किसी भी स्ट्रक्चर में, अच्छा ये मैंने बताया क्योंकि साइड वे नॉन साइड वे का फायदा क्या होता है, अभी हम ना नॉन साइड वे करते हैं। इन दोनों के सवाल हल करने में स्लो डिफ्लेक्शन मेथड में डिफरेंट होता है। मैंने आपको एक, हमने फार्मूले में एक चीज थी, साय ये याद है हमने क्यों यूज किया था, जी जी सर, सर जब कोई याद, कब सेटल यूज हो किया जाए, था? जब जब सेटलमेंट हाँ, हो सर, डिस्प्लेसमेंट होती थी सर हमारे पास, तो डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट किस चीज की जो सपोर्ट की? सर, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन की नहीं वजह नहीं से ये जो तब होता था जब डिस्प्लेसमेंट कोई होती थी, सेटलमेंट वगैरह आता था ना, यानी आपके सेटलमेंट पास सर। कोई जी सपोर्ट जो सर है ना वो मूव कर जाता, तो हम फिर ये साई का वैल्यू यूज करते थे। तो सिमिलरली जब भी आपके पास साइड्स वे कोई फ्रेम आएगा कोई मतलब तो उस केस में भी हम साई के वैल्यू यूज करें, क्योंकि इस केस में भी आपके पास जो जॉइंट है वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहते। इस तरह बीम में आपके पास जो सपोर्ट होते हैं वो सेटलमेंट के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहते, तो हम साई का वैल्यू यूज करते हैं। तो इसलिए जब भी आपके पास फ्रेम में साइड्स वे आएगा, यानी आपके पास वो जॉइंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहेगा, तो आपके पास उसमें भी हम साई की वैल्यू यूज करेंगे, यानी साइड्स वे फ्रेम यूज करेंगे। तो ये जब आपके पास आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम नॉन साइड्स वे फ्रेम का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें साई की वैल्यू सर, यूज, फ्रेम के लिए भी बीम वाली इक्वेशंस। हाँ सब कुछ यही होता है, सब बिल्कुल सेम सिमिलरली है। जिस तरह आपने बीम के क्वेश्चन की, इसी तरह आपने फ्रेम के भी करने हैं, बस इसमें ये साई का जो ना वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है, वो भी एक ही जैसी है, मगर सेटलमेंट वगैरह नहीं होता इसमें। इसमें आपके पास हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम साइड वे नॉन साइड वे को चेक करते हैं, मगर नॉन साइड वे और बीम ये तो तकरीबन दोनों सेम, दोनों में यही आपके पास फार्मूला यूज होगा। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन है आपके पास, अभी देखिए कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि भी आप इसके जो ना रिएक्शंस निकालें बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो हम जो ना इसमें इसके लिए निकालते हैं, तो सबसे पहले बताएं हम क्या करें इसमें। जी पहला स्टेप क्या होगा, डिटरमिनेशन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेशन काइनेमेटिक निकाली, डेट। यस तो आप बताएं इसमें कौन कौन से वो अननोन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने नोड्स है, चलिए ये बताएं। तीन नोड्स है सर, तीन तीन नोड है सर, तीन, तीन कहाँ से आ गया, एक पांच पांच दो, जॉइंट्स भी थे ना, तीन चार, सर जी, नेट का बहुत इशू है, वो
रिकॉर्डेड लेक्चर ये हो रहा है ना जी सर? जी रिकॉर्ड चल रहा है मेरे तरफ से, तो मेरा नेट सही है, तो इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लोड हो जाएगा। तो आपके पास ये टोटल पांच इसमें जॉइंट्स है, पहले जॉइंट में देख तो इसमें कोई है अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरे नो सर में? जी सर, वन कौन सा होगा? लोड से सर डिस्प्लेसमेंट होगा सर। अच्छा पहले ये मुझे बताएं, क्या ये साइड व्यू फ्रेम है या नॉन साइड व्यू फ्रेम है? नॉन साइड वे सर, क्यों? साइड वे सर वो सर नॉन साइड वे शॉर्ट है इसलिए सर, कि नॉन ये साइड इसके वे अंदर सर, पिन सपोर्ट है लास्ट पे। हाँ क्योंकि और इसकी दूसरी जो कंडीशन नहीं दूसरी नहीं कंट्रोल हो रही ना, सिमेट्रिकल तो लोड नहीं आई है, मगर पिन ये सपोर्ट क्योंकि हमने जी इसके यहाँ पे जो इन फिक्स ये जो जॉइंट्स है इनकी मूवमेंट को इस पिन की वजह से रिस्ट्रेन कर दिया है, तो इसलिए ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते, मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि सर। ये मूव करना चाहते हैं नॉन सिमेट्रिकल की वजह से, मगर ये पिन इनको मूव नहीं करने दे रहा, क्योंकि अगर ये मूव होंगे तो पिन को भी मूव होना पड़ेगा, तो वो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए आपके पास ये क्या है, नॉन साइड वे नॉन फ्रेम, साइड वे नॉन साइड वे फ्रेम। तो नॉन साइड वे फ्रेम का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास डेल्टा जीरो होगा, सही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सही यूज जी जीरो सर होगी, साई की वैल्यू भी जीरो होगी। तो हमारे पास जी जो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास जीरो है, यहाँ पे आपके पास थीटा सी आएगा, जी सर यहाँ पे आपके पास थीटा डी आएगा, डी आएगा यहाँ पे भी जीरो होगा, और यहाँ पे आपके पास थीटा जीरो ई होगा। यस सर डेल्टा हमने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एक नॉन साइड वेव फ्रेम है, तो नॉन साइड वेव फ्रेम में आपके पास डेल्टा क्या होता है, जीरो होता है, जीरो क्योंकि ये मूव तो नहीं कर रहे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, अगर ये ओरिजिनल पोजीशन से हटते तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा सर कि ये यार पॉइंट सी मूवमेंट नहीं करेगा सर, क्यों करेगा, जो पॉइंट सी है किधर मूव करेगा, कि वहां पर कोई एक्सटर्नल जॉइंट नहीं है ना। ये देखें ये आपके पास है ना, हमने पहले फ्रेम के अगर जब हम काइनेटिक इनपुट्स निकाल रहे तो सर हमने देखा था, ये समझिए एक आपके पास बेंच है, क्या आपके पास बेंच है, अगर मैं सी को पुश करता हूं तो जितना सी मूव होगा उतने डी भी मूव होगा ना, जी सर और जितना डी मूव होगा उतना ई भी मूव होगा, जी सर तो ई मूव हो सकता है, नो सर ई नहीं हो सकता ये जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये ना आपके पास, तो आपके पास क्योंकि इस लेवल में एक फ्रेम पिन आ गया है, तो इसके मतलब है ये आप दोनों मूव नहीं हो सकते, सही है? ठीक है सर समझ गया। तो आपके पास ये एक काइनेमेटिक इंटरफेरेंस इसकी जो तीन है, आपके पास डेल्टा सी डेल्टा डी डेल्टा ई है, फिर क्या स्टेप होता है? जी याद है कुछ किसी को? अच्छा हम इसमें मोमेंट डिफाइन करते हैं, सही है ना, तो यहाँ पे मोमेंट आएगा नहीं सर क्यों नहीं आएगा, जी सर आएगा फिक्स हो किस पे मोमेंट नहीं आता, सी पे नहीं आएगा नहीं क्या सर फिक्स कंडीशन होती है पे कि नहीं आपके पास मोमेंट नहीं आता आएगा सर, वो बीच में अगर कोई पिन या सर? फिक्स सपोर्ट आ रोलर रोलर पे जाए नहीं आता सर, रोलर पे नहीं, हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास एंड पे पिन या रोलर आ जाए और इंटरनल हिंज आ जाए, तो इन दो कंडीशन में आपके पास क्या होगा, मोमेंट मोमेंट जीरो सर जीरो होगा आपके पास। तो क्या हमारी इस सवाल में कोई एक कंडीशन कंप्लीट हो रही? जी नो सर
और इंटरनल हिंज भी नहीं है, रोलर भी नहीं है। ये देखें, ये पिन एंड पे नहीं आ रहा, ये वाला जो पिन है, ई वाला, ये एंड पे आ रहा है ना? जी सर। तो इधर आपके पास मूवमेंट नहीं होगा। सही है ना? तो इस ई पे के पास मूवमेंट नहीं आएगा। मैंने बताया था कि दो कंडीशन होती है कि जब भी कोई इंटरनल हिंज आ जाए या एंड पे पिन या रोलर आ जाए तो उनमें आपके पास मूवमेंट नहीं आता, जीरो होता है। हाँ, इंटरनल रोलर आ जाए तो उसमें आप क्या होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। इसी तरह इंटरनल ज्वाइंट्स आ जाते हैं, ये रिजर्व ज्वाइंट्स, इसमें भी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे आपके पास एम ए सी आ जाएगा, ये मोहम्मद इमरान, क्या मसला आपको? जी सर। मसला है कोई? नहीं सर। ये सांस जो निकल रही है मैं बंद कर दूंगा। एम सी ए यहाँ पे मूवमेंट होगा, एम सी डी। अब ये दोनों मूवमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसी तरह यहाँ पे होगा आपके पास एम डी सी, यहाँ पे मूवमेंट आएगा आपके पास एम डी बी, यहाँ पे मूवमेंट आएगा आपके पास एम डी ई। अब ये तीनों मूवमेंट का जो समीशन है वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि ये जॉइंट ना इंटरनल रिजर्व जॉइंट, तो इधर मूवमेंट जीरो होता है। तो इन तीनों मूवमेंट का जो समीशन है वो किसके इक्वल होगा? जीरो की, रोलर की तरह सर। हाँ, जिस तरह इंटरनल रोलर होता है। ठीक है सर। ये आपके पास एम डी, मगर यहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगा आपके पास। सही है, क्योंकि ये एंड पे पिन है, इसके आगे कोई वो नहीं है, स्पैन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मूवमेंट जीरो का, बाकी हर जगह पे मूवमेंट आएगा। तो टोटल कितने मूवमेंट्स आ गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो टोटल आपके पास सेवन मूवमेंट है। तो यहाँ पे मूवमेंट जीरो होगा सर। ये पॉइंट सी का भी इक्वल एंड अपोजिट होगा। हाँ, इधर इक्वल, किसी भी जो जॉइंट्स होते हैं ना, इंटरनल रोलर हो गया, इंटरनल रिजर जॉइंट्स, इस पे मूवमेंट की जो सबमिशन होती है ना जीरो, सिर्फ एंड पे अगर फिक्स आ रहा हो ना, फिक्स सपोर्ट, उसमें मूवमेंट आता है। क्योंकि इन जॉइंट्स में वो आता है ना, थीटा आता है ना। जी सर। तो जब थीटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इधर मूवमेंट नहीं आ सकता। तो जितने भी मूवमेंट्स है उनका सबमिशन क्या होगा? वो जीरो के इक्वल होगा। आप मुझे बताएं कि स्पैन ए सी के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी, वन आर टू? जी बता सकते हैं क्यों? ए सी की बात कर रहा हूं। हमारे पास दो इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन हम तब यूज करते हैं जब आपके पास सर जी, क्योंकि दोनों एंड्स पे। हाँ नहीं, वो इक्वेशन नंबर वन की कंडीशन, एक इक्वेशन नंबर वन था, हम यूज करते जब दोनों एंड पे आपके पास मूवमेंट आ रहा, तो ए और सी दोनों एंड पे मूवमेंट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी यूज होगी, वन। इसी तरह आपके पास इधर भी आपके पास दोनों एंड पे मूवमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर वन, इधर भी आपके पास दोनों एंड पे मूवमेंट आ रहा है, तो इधर भी इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी, यहाँ पे एक एंड पे मूवमेंट आ रहा है सिर्फ, दूसरे से एंड पे मूवमेंट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर कौन सी यूज होगी, टू। टू आगे समझे इसकी? जी सर। जहाँ पे भी आपके पास दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा है तो वहां पे इक्वेशन नंबर वन यूज होगी, अगर आपके पास एक साइड पे मूवमेंट आ रहा है तो इक्वेशन नंबर टू यूज होगी।
दूसरा ये भी हम चीज देख लें कि यहाँ पे हर स्पैन के लिए आई डिफरेंट है, तो ये ना, तो इसलिए हम आई की वैल्यू हर स्पैन के लिए डिफरेंट यूज करेंगे, ई आई और एल ई जो है ना सेम है बल्कि मगर आई जो है ना ये डिफरेंट है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर वन है आपकी, क्वेश्चन नंबर टू है, ये आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट है टेबल, तो क्योंकि इसमें आपके पास साई की वैल्यू नहीं हो सकती इसलिए सबसे पहले हम फिक्स एंड मूवमेंट निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले हम ए सी के लिए निकालते हैं, तो ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन यूज हो रहा है तो हम कॉलम नंबर वन भी यूज करेंगे, यहाँ पे लोड बीच में लग रहा है, सही है ना। तो आप बताइए इनमें से कौन सा कॉलम नंबर वन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जी है कोई? नो सर नहीं है, उसमें लोड नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा, ये क्या लग रहा है, 440 क्यूब्स बीच में लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर आपके पास ये पहला वाला कंडीशन क्या है, इसमें भी बीच में लोड लग रहा है? जी सर ये हाँ, तो आपके पास फर्स्ट वाला यूज करेंगे, इधर है PL by 8 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे PL by 8 एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास एफ ई एम ए सी जो होगा वो पी हमारे पास 40 किप्स था, एल आपके पास लेंथ था वो 20 था, ए डिवाइड बाई 8 तो ए 100 किप्स फीट आ गया, ये प्लस हो गया एंटी क्लॉकवाइज हमने प्लस लिया। फिर आपने फिक्स एंड मूवमेंट जो सी है वो आपके पास वो वही 100 होगा मगर नेगेटिव होगा क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया। आप मुझे बताएं कि इस अब हम जो है ना सी डी की बात करते हैं, सही है ना, तो सी डी में आपके पास क्या यूनिफॉर्म लोडिंग है? जी सर। तो हम यूनिफॉर्म लोडिंग वाली कंडीशन देखें तो कौन सी कंडीशन आती है, ये वाली, ये ना इधर यूनिफॉर्म लोडिंग है आपके पास, तो इधर आपके पास है पी एल स्क्वेयर बाय 12 एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पे पी एल ओमेगा स्क्वेयर बाय 12 क्लॉक वाइज, तो हम यहाँ पे देखेंगे ओमेगा स्क्वेयर बाय 12 जो है ना आपके पास सी डी और ई डी ई जो ना आपके पास ये हम लेंगे तो आप नहीं सॉरी सी डी तो आपके पास होगा ओमेगा एल स्क्वेयर बाय 12 सही है ना, ओमेगा आपके पास था 2 किप्स है और एल आपके पास 20 है 30 है डिवाइड बाय 12 तो 150 आ गया आपके पास प्लस आ जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज है, और डी सी जो होगा ना आपके पास वो ओमेगा एल स्क्वेयर बाय 12 क्लॉक वाइज होगा तो नेगेटिव होगा। फिर हम अगर बी डी की को देखते हैं तो इधर आपके पास कोई लोडिंग नहीं है तो ये यहाँ पे आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट क्या हो जाएगा, जी जीरो जीरो हो जाएगा। अच्छा हम डी ई की बात करते हैं, अब डी ई में आपके पास क्योंकि एक ही साइड पे मूवमेंट आ रहा था, क्या आ रहा था, एक ही साइड पे मूवमेंट आ रहा था तो हम एक इक्वेशन नंबर टू यूज कर रहे थे तो हम कॉलम नंबर टू यूज करेंगे, अब हम कॉलम नंबर यूज करेंगे जिसके आपके पास एक ही साइड पे मूवमेंट आ रहा हो, तो इधर आपके पास लोडिंग यूनिफॉर्म लोडिंग थी तो हमारे पास ये वाला आता है, सही है, तो इसकी वैल्यू क्या आपके पास ओमेगा स्क्वायर बाय 8 से गलती की है, ये ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8 है 12 नहीं है, सही में गलती है, ये 8 है सर। तो आपके पास ओमेगा 2 है आपके पास, लेंथ आपके पास है 30 डिवाइड बाय 8 तो इसे आपके पास क्या आंसर आएगा,
एन स्क्वायर था आपके पास जी, क्या आंसर आएगा? ये आपके पास आता है 225। तो आपके पास 225 सर। ये गलती की है, ये मैं सही करके फिर आपके पास उस पर अपलोड करूँगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई 8 है। अच्छा, तो अब हमने क्या कहते हैं, जो हमारे पास हमने देखा था कि इन सब के लिए इक्वेशन नंबर 1 यूज़ होगी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 यूज़ होगी, तो हमने सिंपल अब इक्वेशन यूज़ कर लिया। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, सही है ना? तो आपके पास जो फर्स्ट वाला है उसके लिए आपके पास जो है वो एल आई है आपके पास 800, इसके लिए 1600, इसके लिए 800, इसके लिए 1600 है आपके पास। तो आपके पास अगर हम फर्स्ट यूज़ करते हैं तो आपके पास 2EI और L 20 है आपके पास, फिर 2θn होगा, सही ना? अब θn आपके पास क्या होगा, सॉरी θn नियर एंड, ये आपके पास नियर एंड है या फार एंड? अब नियर एंड पे आपके पास थीटा क्या है, 0 है, सही है ना? और फार एंड पे आपके पास क्या है, थीटा सी है। तो आपके पास जो ये फार्मूला है जिसमें ये वाला, तो 2EI ओवर L आपके पास 20 है, थीटा n आपके पास क्या है, ये आपके पास 0 होगा क्योंकि फिक्स है, ये आपके पास थीटा c हो जाएगा और ये आपके पास ये 0 होगा। फिक्सन मोमेंट आपने निकाला था 100 प्लस, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा प्लस, तो आपके पास पहले वजह हो जाएगा 2EI और 20 थीटा सी प्लस 100, तो इसे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गए। फिर इक्वेशन नंबर 2 सी ए की अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास सी ए होगा, तो इसमें नियर एंड आपके पास थीटा सी होगा, फार एंड आपके पास थीटा ए हो जाएगा। तो आपके पास जो अंदर है वो 2θn था, वो थीटा 2θc हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास माइनस फिक्स एंड मोमेंट माइनस 100 हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। फिर हम बी डी निकालते हैं, ये वाला बी डी वाला, तो यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 1 यूज़ होगी आपके पास, तो आपके पास 2EI ओवर L थीटा n आपके पास 0 होगा, थीटा f आपके पास थीटा d हो जाएगा, तो आपके पास अंदर थीटा d रह जाएगा, फिक्स एंड मोमेंट इसमें आपके पास 0 था, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर हम मोमेंट डी भी निकाल देते हैं, ये वाला, तो इधर भी इक्वेशन नंबर 1 यूज़ होगी, यहाँ पे आपके पास थीटा एन थीटा डी हो जाएगा और फार एंड पे आपके पास थीटा 0 होगा, तो आपके पास अंदर जो है ना वो 2θd आ जाएगा, तो यही क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। फिर एम सी डी निकालते हैं हम, सी डी ये वाला जो मोमेंट है आपके पास, तो इधर भी क्वेश्चन नंबर 2 यूज़ होगी आपके पास, 2EI ओवर L 30, सही ना? आई वही आप, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 800 को हमने आई कर दिया, तो ये आपके पास 2I हो जाएगा, सही ना? ये आई हो जाएगा तो ये भी 2I हो जाएगा। आगे इसके समझ, अगर हम इसको आई लिखते हैं तो ये कितना होगा, 1600 क्या होगा, 2I हो जाएगा, ये आई हो जाएगा क्योंकि इसका डबल है ना, आसानी के लिए। तो आपके पास ये 2I आ जाएगा, तो आपके पास ये एम सी डी निकाल दिया, सी एम सी डी के लिए आपके पास थीटा एन क्या होगा, थीटा सी और थीटा एफ क्या होगा, थीटा डी, तो ये दोनों भी हम इसमें पुट कर दे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर एम डी निकालेंगे, डी सी यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे आपके पास थीटा डी हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, थीटा सी होगा, तो ये आपके पास इधर के लिए भी इक्वेशन आ गया। तो आपके पास ये जो ना इसे इक्वेशन आ गई, आखिरी वाली जो ना इक्वेशन नंबर ये, सॉरी एम डी सी एम डी ई, ये हम जो ना इक्वेशन नंबर 2 से यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास
थ्री आई ओवर एल इंटू थीटा एन माइनस साई, तो थीटा एन हमारे पास है थीटा डी और थीटा साई इसमें यूज नहीं होता, तो आपके पास थ्री आई ओवर एल इंटू थीटा डी हो जाएगा प्लस फिक्स एंड मोमेंट। तो ये वैसे यूज यहाँ पे भी 225 यूज किया, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो आपके पास 225 होगा। ये मैं सही कर दूंगा, आपके पास ये देखें तो आपके पास ये एम सी यू क्योंकि एंड पे पिन है तो ये आपके पास जीरो होगा। तो सारे आपके पास समझ आ कि है ना किस तरह मोमेंट निकालें, सिंपल इक्वेशन में पुट करके इसको वैल्यू, तो हमने एक मोमेंट्स निकाले या समझाऊँ एक ही करके। ये वही चीज़ जो हमने बी में पढ़ी। हेलो, कैलकुलेटर से हमने किए थे ना सर? कैलकुलेटर से तो नहीं, ये तो सिंपल हमने ये जो वो तो बाद में करेंगे ना, अभी हमने ये वाली इक्वेशंस थी सही है ना, जितनी इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू है इसमें वैल्यूज डाली थी। थीटा एन वो होता है जब फॉर एग्जांपल अगर हम ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है सर जी, ठीक है सर। तो आपने ये सारी मूवमेंट्स की इक्वेशन निकाल ली। अब हमारे पास अब बताएं कि इनमें से कितने अननोन है इन इक्वेशंस में जी? दो सर। कौन कौन सा? थीटा सी और थीटा डी। हाँ, आपके पास ये भी अननोन है सारे, मगर जितने नंबर ऑफ इक्वेशन इतने ये भी है। इसके अलावा आपके पास थीटा डी और थीटा सी जो है ना ये अननोन है, तो बताइए कहाँ से आएंगे ये? उसको हम एक्स और वाई एज्यूम करके सर कैलकुलेटर से फिर सॉल्व कर लेंगे। एक्स और वाई क्या हो? दो इक्वेशन एक्स्ट्रा कहाँ से आएंगे? जो ई आई थीटा सी को एक्स एज्यूम कर लेंगे और ये थीटा डी को वाई एज्यूम कर लेंगे। ऊपर लगाएंगे ऐसा वो लगा चुके हैं सी और डी पे लगा चुके हैं सर? नहीं नहीं, अब हमारे पास दो इक्वेशनें चाहिए, एक थीटा सी डी के लिए दो इक्वेशनें एक्स्ट्रा चाहिए, वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम जॉइंट सी और डी लेते हैं क्योंकि इंटरनल जॉइंट्स है, तो यहाँ पे मूवमेंट की समीशन क्या होगी? जीरो की इक्वल होगी कि आपके पास जॉइंट सी पे जितना भी मूवमेंट आ रहा है इसका जो समीशन है वो जीरो की इक्वल होगा। इसी तरह आपके पास जॉइंट डी पे जितना मूवमेंट आ रहा है इसका भी समीशन किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। यही बात की समझ जी सर? ये ना जिस तरह हम बीम में करते थे इंटरनल रोलर पे हम जो ना सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो करते थे, इसी तरह हम इंटरनल जॉइंट्स पे भी सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो करेंगे। तो इधर भी आपके पास दो मूवमेंट्स आ रहे थे, इधर आ रहे थे एक इधर आ रहे थे, उन दोनों का सबमिशन जीरो के इक्वल। इधर तीन मूवमेंट आ रहे हैं, इन तीनों का सबमिशन किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो ये दो इक्वेशन है जिसे हमारे पास एक्स्ट्रा इक्वेशन है, इनमें हम मूवमेंट्स की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएंगे। तो हम जब मूवमेंट की वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो पहली वाली इक्वेशन ये बन जाती है, सही है ना? सबको सबमिशन करना है, मतलब एम सी ए हमारे पास क्या है 2EI और 20 इंटू 2 थीटा सी माइनस 100, और आपके पास एम सी डी क्या है ये, जब आप ये दोनों इसमें पुट करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। इसी तरह आपके पास इस इक्वेशन में भी आपके पास एम डी बी एम सी डी सी और डी पुट करेंगे तो आपके पास इनका सबमिशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आप क्या इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं जी? जी सर कर सकते हैं। एक तो ये जिस तरह बार बार करें कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं, इसको एक्स रख देते हैं, इसको y, तो इससे आप कैलकुलेटर से ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। वरना आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से c की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो आपके पास d की भी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो ये निकाल लेंगे। जब वो निकल आएंगे तो आपने फिर इस इक्वेशन में डालते रहना, सही है ना? d c की वैल्यू इसमें डालेंगे तो आपके पास ये सारी मूवमेंट्स आ जाएंगे, तो आपके पास ये सारे मूवमेंट्स आ गए, सही है ना? तो अगर हम ये देखें इन दोनों मूवमेंट्स को सी ए और सी डी को, ये दोनों क्या इक्वल है? ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है ना? इसी तरह जो आपके पास डी जॉइंट्स पे इनका भी अगर हम सबमिशन करेंगे तो ये भी किसके इक्वल होगा? सॉरी ये वाला, तो ये जीरो के इक्वल होंगे।
तो ये हमारे पास मूवमेंट सारी आ गई, तीन हम ये चेक पे लगा सकते हैं कि सी वाले जितने भी मूवमेंट्स उनको सम करें और डी वाले जितने भी मूवमेंट्स उनको सम करें तो इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, जीरो की कॉल आ रही है। तो ये तो मूवमेंट्स आ गए अभी हमारे पास, तो इसके मुकाबले इससे हम क्या वो निकाल सकते हैं अब रिएक्शंस। जी क्या हम रिएक्शन निकाल सकते हैं उसमें? यस सर। तो हमारे पास आपके पास ये आप रिएक्शन किस तरह निकालेंगे, और उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपने सारे मूवमेंट्स लगा दिए, सही ना? तो अब आपके पास ये डिटरमिनेंट सारे स्ट्रक्चर बन गया। तो फॉर एग्जांपल मैं एक हाथ आपको करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे ये मूवमेंट लगाया, यहाँ पे ये मूवमेंट लगाया, अब यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन आएगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी आएगा क्योंकि ये फिक्स है यहाँ, सही है ना? ये फिक्स है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस आती हैं, तो तीन अननोन्स हो जाएंगे आपके पास। सॉरी, अब इंटरनल जो है ना, आप इसको निकालने की बेशक आप अभी ज़रूरत नहीं है, सही ना? इंटरनल जो होते हैं आपके पास रिएक्शन, क्योंकि हमें एक्सटर्नल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रिएक्शन के लिए भी ना हम यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट की वो निकाल, मतलब ये हमारे पास ये जो 27 ये वाला है ये फिलहाल हम नहीं निकाल सकते, इसको इसी तरह रहने देते, सही ना? हम क्या करते हैं कि ए पे मूवमेंट लेते हैं, ए पे जब हम मूवमेंट लेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा अननोन, सही है ना? ये 92 भी आपके पास पता होगा, ये आपके पास मूवमेंट्स आए हुए हैं, तो ये आपके पास ये सी पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये आ जाएगा। फिर हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा, ये वाला अभी भी अननोन है, इसको हम नाम देते हैं ए वाई, इसका भी वैल्यू नहीं पता हमें। फिर हम सी डी ले लेते हैं, ये मूवमेंट हमें पता है, सही है ना? हम सी पे मूवमेंट लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर हम सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा, सही है ना? फिर हम जाते हैं, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है वैसे, सही है ना, हॉरिजॉन्टल की। फिर हम जाते हैं बी डी में, बी डी में आपके पास ये दोन या नॉन होंगे, ये आपके पास यहाँ पे वो मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो हम बी पे मूवमेंट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये भी हमें अभी भी नहीं पता, इसको हम नाम दे देते हैं बी वाई, वो किसी तरीके से हम ये नहीं निकाल सकते यहाँ पे। हम सी डी में जाते हैं, डी पे मूवमेंट लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा, सही है ना? फिर हम सिग्मा एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये अभी भी अननोन है, इसको हम नाम देते हैं ई एक्स। आगे समझ? तो अभी हमारे पास बाकी रिएक्शंस तो आ गए हैं, मगर हमारे पास अभी भी ओवरऑल ये तीन अननोन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास ये हम इसको वापस जोड़ देंगे, तो ये रिएक्शन भी आ गया हमारे पास, ये भी आ जाता है। अब डायरेक्ट सिर्फ ये रिएक्शन निकाल करें, बाकी ना निकालेंगे, इंटरनल रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं। ये मोमेंट्स भी आ गए थे आपके पास, ये दोनों रह गए थे आपके पास, ये तीनों, ये नहीं निकाले थे हम। तो अब हम हमारा स्ट्रक्चर में, क्योंकि तीन अननोन है, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, हम ये तीनों निकाल सकते हैं। सही है? हेलो जी सर। तो आपके पास ये इस समय तीनों रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस आ जाएंगे।
तो बाकी जो नॉन साइड्स में वो ये क्या कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, आपके पास शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाइए ना। तो बाकी जो नॉन साइड्स वे का जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपका असाइनमेंट भी मैं आज एक दे देता हूँ, क्या कहते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन की, तो आपने वो भी नेक्स्ट वीक जमा करवानी। उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा दे रहे सर क्योंकि नेक्स्ट वीक से, चलो नेक्स्ट वीक में जो रात रात को दे देना।